पास फ्रेश मिल्क, और फ्रेश मिल्क से हम मलाई पेड़ा बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1.5 लीटर दूध है, फुल फैट दूध है, एकदम फ्रेश दूध है। बहुत इजीली मावा घर पर बनकर तैयार हो जाता है, केवल 10 मिनट में हम मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में दूध से जो मावा बनाया जाता है उसे। यहाँ पर हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रख देते हैं। दूध को रिड्यूस करते हुए हमें लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा दूध यहाँ पर थिक होने लगा है। आज हम बनाएंगे मलाई पेड़ा, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे इस स्टेज पर मलाई। ये है मेरे पास लगभग 200 ग्राम मलाई, जो हम दूध पर से इकट्ठी करते हैं वही मलाई है। इसे हम ऐड कर देते हैं हमारे इस बॉइल होने वाले दूध में और अच्छी तरह से इसे थिक करेंगे। मलाई के साथ हम जब इस मावे को तैयार करते हैं तो हमारा मावा बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है, और इससे जब हम मलाई पेड़ा बनाते हैं तो मलाई पेड़ा बहुत सॉफ्ट टेक्सचर वाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम दूध को और रिड्यूस करेंगे और एकदम मावे वाली कंसिस्टेंसी में लेकर आएंगे। इसी दूध को रिड्यूस करते हुए हमें लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और हमारा दूध ये देखिए यहाँ पर रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। लेकिन अभी हमें इसे मावे वाली कंसिस्टेंसी में लाना है, इसलिए इसे हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा जो मावा है वो तैयार हो गया है, पूरा दूध जो है वो सूख गया है, और इस तरह से हमारा मावा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इस समय पर यह थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और बढ़िया सा मावा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हमारे इस मावे को हो जाने देते हैं ठंडा। से यहाँ पर हमारा मावा कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। देखिए ठंडा होने के बाद एकदम हो गया है ना मार्केट जैसा मावा, मार्केट से भी बहुत अच्छा मावा यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ है। जैसे जब हम घर पर मावा तैयार करते हैं तो हमारे मलाई पेड़े बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। बस यहाँ पर हमारा मावा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये लगभग बनकर तैयार हुआ है 400 ग्राम मावा। इस 400 ग्राम मावे में मैं ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम तगार, जो शक्कर का बुरा होता है वही है। इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से हम इजीली घर पर शक्कर का बुरा या तगार बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं लगभग 4 इलायची का पाउडर है इसे। बस इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर शक्कर का बूरा नहीं है तो आप मिश्री भी मिला सकते हैं इसमें पीस कर। शक्कर का बूरा और इलायची को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इससे बनाएंगे हमारे पेड़े। थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, पेड़े आप छोटे या बड़े बना सकते हैं अपने हिसाब से। हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे मावे का, इस तरह से हाथों में इसे अच्छी तरह से एक सार करेंगे और हाथों में अच्छे से इसे घुमाएंगे। इस तरह से इसका एक गोला बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से, और इसे फ्लैट कर देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। इस तरह के हम हमारे सभी पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमारे बढ़िया से टेस्टी से मलाई पेड़े बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। सिंपल से गार्निशिंग करते हैं इसमें पिस्ता की। इस तरह से पिस्ता को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, और थोड़ी थोड़ी सी पिस्ता इस तरह से हम बीच में रख देंगे पेड़े के, तो हमारे पेड़े का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। सभी पेड़ों पर हम इसी तरह की गार्निशिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने सिंपल सी गार्निशिंग की है पिस्ता के साथ। बहुत बढ़िया से हमारे मलाई पेड़े यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारे बढ़िया से मलाई पेड़े। कि हमने जो हाथों से मावा बनाकर तैयार किया है उससे ये पेड़े बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है हमारे इन पेड़े का। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और नरम मुलायम हमारे पेड़े यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी हैं। हमने जो हाथों से मावा बनाकर तैयार किया है उससे इसमें मावे का जो रिचनेस है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग है। तो इस तरह के बढ़िया से टेस्टी से मलाई पेड़े आप भी अपने यहाँ एक बार जरूर से ट्राई करें।